Friends, welcome to our YouTube channel Stars Academy. आज हम आपके लिए GS का एक न्यू टॉपिक लेके आए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हम सब जानते हैं और बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं अपने जूनियर सेशन से कि न्यूटन्स जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे लॉज निकाले और इस उन्होंने ही तीन लॉज निकाले मोशन के, तीन इम्पोर्टेंस लॉ निकाले मोशन के जिन्हें हम जानते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग. गाइस, GS बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, बहुत क्वांटिटी में चीज़ें हैं, इसीलिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही हम टॉपिक्स पढ़ेंगे. और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कुछ भी आए आप बता सकते हो. चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि आप और आप हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन में जुड़ सकें. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉप, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया. इसके अकॉर्डिंग एवरी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है, जैसे ये पेन है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा जब तक इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ये मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहर से फोर्स हम इस पर नहीं लगाएंगे. जैसे ये पेन है, रेस्ट पे है, हमने इस पर उंगली मारी तो ये एक फोर्स लगाया, अपनी उंगली से एक फोर्स लगाया इस पेन पे, और एक पेन पे फोर्स लगाया और ये पेन आगे की ओर बढ़ा. यानी कि जब तक हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी या फिर वो जिस मोशन में है, जैसे चल रही है वैसी चलती रहेगी. अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स की इनर्शिया होती है. जो ये फोर्स होता है ये कितने टाइप का होता है, ये इनर्शिया जो होती है कितने टाइप की होती है? तीन तरह की इनर्शिया होती है, रेस्ट की, मोशन की और डायरेक्शन की. यानी कि कोई बॉडी रेस्ट पे है मतलब जहाँ है वहीं ठहरी हुई है, मोशन में जैसी चल रही है वैसी चली, और डायरेक्शन कि जिस जगह जा रही है उसी जगह जाएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा. अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल से ताकि हम इस लॉ को और अच्छे से समझ सकें. एग्जाम्पल, व्हेन अ कारपेट इज़ बीटन बाय अ स्टिक डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट. हम बात करते हैं सबसे पहले रेस्ट के इनर्शिया की, ड्यू टू ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण. जब भी कोई कारपेट है, हमने एक कारपेट लिया है उसे स्टिक से बीट कर रहे हैं, तो जो उसके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हम देखते हैं वो बाहर आ रहे हैं, जबकि वो डस्ट पार्टिकल्स बाहर नहीं आते हैं. जब हम कारपेट को बीट करते हैं किसी स्टिक से तो जो कारपेट होता है वो अपनी पोजीशन बदल लेता है, वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही जगह पर रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, जबकि मोशन में कौन आया है, कारपेट, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, डस्ट पार्टिकल्स जहाँ के थे वहीं रह गए, इस वजह से हमें ऐसा लगा कि डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ गए. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया. व्हेन अ मूविंग कार सडनली स्टॉप्स, एक मूविंग कार, एक कार है वो मूव कर रही है और वो अचानक से रुक जाती है, द पर्सन सिटिंग इनसाइड फॉल्स टूवर्ड्स. हम खुद भी जब कभी कार में बैठते हैं तो हमने ये चीज़ फील की है कि अचानक से ब्रेक लगा और हम आगे की तरफ, कार में आगे की तरफ गिर गए. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो लोअर बॉडी होती है कार्ड के जो कांटेक्ट में, वो तो रेस्ट पे आ जाती है, लेकिन जो अपर बॉडी होती है जो मोशन में होती है उस पे किसी की तरह का फोर्स नहीं लगता है, और इस वजह से हमें एक धक्का लगता है और हम आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं. इसी तरह व्हेन अ कार टर्न्स सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड टर्न्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कार स्टर्न. अगर हम कार में बैठे हैं, सपोज़ करिए ये हम बैठे हैं कार में, और अचानक से ड्राइवर यू टर्न मारता है, तो जो हमारी लोअर बॉडी है जो कार के कांटेक्ट में है वो तो टर्न मारती है, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है जो कार के कांटेक्ट में नहीं है वो रेस्ट पे रहने के कारण उसी डायरेक्शन में रह जाती है, और हमारी बाकी आधी बॉडी टर्न हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है
कि हमारे कोई एक धचका लगा है या हम अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कार टर्न हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पे कोई धचका लगा, हम उधर साइड बेंड हो गए। नेक्स्ट रूल की बात करें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जो हमें बताता है कि जो फोर्स, जो बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो उसके मास के और उसके एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि अगर बॉडी पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे। जैसे जैसे मास को हम इंक्रीज़ करेंगे उस पे लगाने वाले फोर्स को भी इंक्रीज़ करेंगे। अगर कोई हम खुद ही देखते हैं, नॉर्मल सी अगर हम बात करें तो अगर एक छोटी सी पत्थर है तो उस पे हमने हल्का सा स्ट्राइक किया वो पत्थर आगे चला गया, लेकिन अगर एक बड़ा सा पत्थर है तो हमें उस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके वो डिस्प्लेस होगा। उसी तरह अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन ज़्यादा है तो उस पे हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर इस एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ये जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ पे होते हैं। जैसे हमने जिस बॉडी पे एक्शन किया उसकी, जिस बॉडी पे एक्शन किया वो रिएक्शन देगी, लेकिन एक्शन कोई और बॉडी कर रही है किसी और बॉडी पे, और रिएक्शन कोई और बॉडी दे रही है किसी उसी पहली वाली एक्शन करने वाली बॉडी पे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम इस लॉ को और बेटर समझ सकें। अ मैन वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, एक आदमी ग्राउंड पे चल रहा है, अ मैन वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड। हम लोग ग्राउंड पे, मान लीजिए ये हम हैं और ये ग्राउंड पे हम लोग चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद सडनली हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, हमने कभी ये सोचा नहीं कि हम यहाँ कैसे पहुँच गए। आज हम लोग इस बात को प्रिपेंट कर बात करते हैं, ये टोटली रिलेटेड है न्यूटन के थर्ड लॉ से। जब हम किसी पाथ पे चलते हैं तो हम उस पाथ पे फॉरवर्ड फोर्स लगाते हैं, फॉरवर्ड फोर्स, अपने एक स्टेप लिया फॉरवर्ड फोर्स लगाया, तो वो जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, जो रोड होता है, वो हम पे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। मैग्नीट्यूड तो उस फोर्स का सेम रहता है लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, जिसके वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। उसी तरह जब हम किसी बॉल को, व्हेन वी पुल द बॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टूवर्ड्स अस, जब हम किसी बॉल को नीचे की तरफ पुश करते हैं, जैसे हमने एफ फोर्स लगाया नीचे बॉल को पुश किया, तो जो बॉल होती है वो ग्राउंड तक पहुंची, जैसे ही ग्राउंड के टच में आती है वो बॉल वापस ऊपर चली जाती है हमारे पास, क्योंकि वो जो ग्राउंड होता है वो उस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। हमने उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिस फोर्स से भेजा वो ग्राउंड उस पर उसी मैग्नीट्यूड का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है। गाइज ये तो बेसिक्स थी, आपको हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे अपने सेशन से ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। आप हमें कमेंट करके बताइए हमारा सेशन कैसा है और आपको क्या और टॉपिक्स जिन पे आपको प्रॉब्लम है वो चाहिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।